झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिछले दिनों भोजपुरी और माघी भाषा को लेकर की गई विवाद पर टिप्पणी का मामला गर्माता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के हेमंत सोरेन के इस बयान पर आपत्ति जताई है। सोमवार को अपने जनता दरबार कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है वो इस तरीके का बयान देते हैं। पूर्व बिहार में और झारखंड दोनों एक ही थे कि लोगों को एक दूसरे के प्रति काफ़ी प्रेम है। इन दोनों राज्य राजनीतिक तौर पर लोग क्या बोलते हैं, क्या बात समझ में नहीं आती। सीएम नीतीश ने कहा है कि झारखंड बिहार से अलग हो गया है, हम इस बात की इज्जत करते हैं, लेकिन बिहार और झारखंड दोनों भाई हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं। पूरा देश एक परिवार है। बिहार को झारखंड पर और झारखंड को बिहार पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले बिहार के लोग काम के लिए झारखंड जाते थे, अब कोई नहीं जाता। बिहार झारखंड के बंटवारे से बिहार में मायूसी आ गई है, लेकिन अब कोई झारखंड को याद नहीं करता। अब बिहार में विकास हो रहा है और काम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में नहीं रहते, वो अलग अलग राज्य में रहते हैं। राजनीति लाभ के लिए यदि कोई भाषाई बयान देता है तो वो बोलता रहे, हमारे मन में झारखंड के है देना नहीं, हम इन सभी चीज़ों से लेना प्रति सम्मान का भाव है। आज के अपडेट में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।